तेरे खून के फ्लो ने ना तंग कर रखी चीजें है ना, कहाँ पे टांगू कहाँ पे ड्रिप, वहाँ पे टंग सकती है, नहीं वहाँ टंग सकती है, वहाँ पे टांग देगी, वहाँ से हाँ वहाँ लेट जो वहाँ बांध देंगे फिर आराम से वहाँ टंग जाएगी, वहाँ जा आप इसको डालो सर इसके अंदर। तो गाइस यहाँ पर आ गई है मजेदार सी डाइट, आप चेक कर लो बहुत ही कमाल की डाइट है और लक्ष्य बनाती है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, और एक छोटा सा मिनी व्लॉग है अपडेट के लिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ पायल क्या कर रही है। तो भैया पायल को घर पे ड्रिप लग रही है, और ये लगेगी कितने दिन लगेगी मम्मी ड्रिप, मंडे तक, तो मंडे तक ये ड्रिप घर पे लगने वाली है। आराम से आराम से हाथ पकड़ना, मैं थोड़ा सिर दबाऊं ना इसका, बोलू थोड़ा सिर दबा है ना। हाँ मुझे तो खुद डर लगता है इंजेक्शन से, आप दबाओ मम्मी में, बड़ा मुश्किल काम है गाइस सच में। और ये ड्रिप क्यों चढ़ रही है मैं बता देती हूँ, पायल को ना निमोनिया का पैच, निमोनिया का पैच आया है, और इसकी वजह से ना उसको 3 दिन ड्रिप चढ़ेगी, इंजेक्शन लगेंगे, और ये निमोनिया की वजह से इसको बहुत ज्यादा कफ हो रही है, कफ की वजह से स्टिचेस लगी है, उसमें पेन हो रहा है, तो ये जो इसकी खांसी है ना इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए ना गाइस घर पे ड्रिप चढ़ाने के लिए डॉक्टर साहब आ गए हैं, हॉस्पिटल की सर्विस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बहुत ही घर जैसे हमें लगता है कि हमारा घर है हॉस्पिटल, और बिल्कुल ध्यान रखा जा रहा है पायल को प्रायोरिटी पे रख के। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमारी कपड़े सुखाने की दुकान है, आज से ये शुरू हो गया, आज तो पूरा मतलब क्या हुआ था मैं बता नहीं सकती, तो गाइस सब बच्चों को सबको पता है कि बच्चे सुसु पॉटी कितना करते हैं, तो हमारी तूबा है छोटी है बहुत, तो उसको हम डायपर लगा रहे थे, उसको काफी ज्यादा रैशेस हो गए थे, तो पायल ने बोला किसी बच्चे को डायपर नहीं लगाएंगे, रात को लगाएंगे, तो आज क्या हो रहा था जैसे एक बच्चा कर रहा था सुसु, उसको दूसरा कर रहा था, दूसरा कर रहा था, फिर तीसरा कर रहा था, तीनों ने इकट्ठे कपड़े गीले करे, तो मेरे को जगह नहीं मिली इसलिए मैंने यहाँ सुखा दिए। तो गाइस यहाँ पे हमारी कुंडी है, कुंडी पे हम नाड़ा टांग रहे हैं, क्योंकि जो ड्रिप होती है उसके लिए आपको सपोर्ट चाहिए होता है ना किसी किसी चीज का, हॉस्पिटल में तो स्टैंड होते हैं, हाँ हॉस्पिटल में स्टैंड, हॉस्पिटल में स्टैंड होते हैं, हाँ। तो यहाँ पर स्टैंड नहीं है तो इसलिए वहाँ टांगती है, तो ये इन्होंने करा है। तो खांसते हुए ना पायल को भैया बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है टांगों पे, पर इसके चेहरे से लग नहीं रहा तकलीफ हो रही है, पर हो रही है तकलीफ पक्का हो रही है। तो भैया हमारे तीनों बच्चे यहाँ हैं, और चीकू कहाँ है, चीकू चीकू गया अपने चाचू के साथ घूमने के लिए, चीकू गया बाहर घूमने के लिए, ये बेड पे कब्जा कर लिया दोनों बच्चों ने, और भैया हमें बहुत ही दिक्कत हो रही है, हमें ना लग रहा है 6 दिन के बाद जल्दी से, मतलब 6 दिन हो जाए, 2 दिन रह गए, इसका फेस दिखाए बच्चों का, और उसके बाद हम तरीके से वीडियो दिखा सकते हैं बना सकते हैं। हाँ जैद सो रहा है, तूबा सो रही है, बीच में भाइयों के बीच में सोती है। तो भैया इस लड़की की नींद नहीं पूरी होती, बेटे नींद पूरी होगी, ठीक लग रही है अब तो, कुछ खाने का मेरे लिए दियो, खाने का भूख लग रही है। तो पूरी डेकोरेशन दिख रही है भैया जो हमने दोपहर को की थी, कमर लगा ले, बोलो पायल कमर लगा ले, आराम से, हाँ आराम से कमर लगा ले, ठीक है। बस पायल को ना साथ साथ नेपोलाइजर भी लेना पड़ेगा जिससे इसकी तबीयत थोड़ी जल्दी ठीक हो जाएगी। कितनी देर लेना वाली है, तू कपड़ा क्यों नहीं बांध के रखती, बोलू मैं तो सर पे कपड़ा बांध के रखा हुआ है, कपड़ा क्यों नहीं बांध रही है तो बता दे। तो पायल की ड्रिप तो हो गई है, ओके अभी चढ़ गई है, मुझे लग रहा है ये यही टंगा रहेगा, कितने दिन चढ़ेगी पायल ये, मंडे तक चढ़ेगी, मतलब 2-4 दिन रहेगी ना। तो ये लड़की देखो स्विमिंग पूल में जाने की तैयारी है, कहाँ जा रही है बेटे कपड़े पहन के, जिम कॉस्टा ये, अच्छा मुझे लगा स्विमिंग पूल वाला, तूने कभी पहना है वाला, नहीं मैंने आज तक नहीं पहना है, दिल कर रहा है पतली होंगी तो पहनूंगी, अभी पतली नहीं हूं ना, अरे नहीं इतनी फिट तो तू अभी भी है गोलू, ऐसी बात नहीं, मम्मी इतनी फिट है गोलू अभी भी, हो जाएगी अभी थोड़ा पेट वेट अभी थोड़ा, मुझे तो फिट लग रही है, आपको इसलिए फिट लग रही हूँ ना क्योंकि मैंने अभी लूज कपड़े पहने हैं, तो टमी है वो थोड़ा नीचे आ गया, देखो भाई 22 दिन का ज्यादा हुआ, 22 दिन पहले डिलीवरी हुई है, तो पेट तो टाइम लगे ना जाने में, 9 महीने लगे थे बड़ा होने में, एकदम नहीं होता टाइम लगता है। क्या ये, ये है बच्चों का डिटर्जेंट, जैसे हमारा डिटर्जेंट होता है सरफ एक्सेल, तो ऐसे ही बच्चों का डिटर्जेंट होता है, ये ना मिल्क वाला डिटर्जेंट है, तो जब बच्चे कपड़े पहनते हैं तो इनकी जो स्मेल है बच्चों को इससे एलर्जी नहीं होती, मतलब सेफ होता है, बच्चों के लिए सेफ है, बच्चों का डिटर्जेंट अलग लिया है, बच्चों के बॉटल वॉश करने के लिए जो लिक्विड होता है वो भी अलग लिया, सब कुछ अलग अलग है।